तेंदुए ने हमला किया और बच्ची को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगा। लोगों के शोर मचाने पर तेंदुए ने बच्ची को छोड़ दिया, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। यह घटना सिंगरौली के सराई इलाके की है। सराई के ग्राम रजनिया नया टोला में 5 वर्ष की बच्ची राधा अपनी नानी के साथ खेल रही थी, तभी घात लगाकर बैठे तेंदुए ने उस पर हमला किया और मासूम बच्ची की गर्दन पकड़कर जंगल की तरफ भागा। यह देखकर लोगों ने शोर मचाकर तेंदुए का पीछा किया, तभी घबराकर तेंदुए ने घायल मासूम बालिका को छोड़ दिया और जंगल की तरफ भाग गया। तेंदुए के हमले में गंभीर रूप से घायल मासूम राधा को वन अमले के लोग इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां इलाज के दौरान मासूम राधा की मौत हो गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी राम अवतार साहू ने बताया कि तेंदुए के हमले में हुई मौत के बाद बालिका के परिजनों को शासन द्वारा 4 लाख रुपये सहायता राशि दिलवाई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इस इलाके में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। आज करीब 7:30 से 8 बजे के शाम के बीच में नया टोला में एक राधा नाम की लड़की को जंगल की ओर से तेंदुआ आया और उसकी नानी उसके पास खड़ी थी, अचानक लेके भागा है और उसके हल्ला करने के बाद 100 मीटर के दूरी पे उसको वहाँ पे छोड़ के भाग गया, जिसको मैं तत्काल अपने स्टाफ को भेज के अस्पताल निवास भेजा और निवास अस्पताल पहुँचते ही वहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।